हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनविजिबल बाबा में। चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस तुरंत मिल जाएं। जब मैंने अपनी 12th पास करी तो उसके बाद मैं भी एक जॉब ढूंढने लगा। मैं भी एक ऐसी जॉब चाहता था कि जिसकी फिक्स सैलरी हो, अच्छी खासी जॉब हो, टेंशन फ्री जॉब हो, एक छोटी मोटी सैलरी हो अपनी और मैं आराम से लाइफ जी पाऊँ। तो फिर कई सारी जॉब्स के मेरे पास दिमाग में आइडियाज़ आते थे। मैं अखबार में पढ़ता था तो करीबन उसमें कुछ जॉब्स ऐसी होती थी जिसमें हाँ जी फिक्स सैलरी होती थी, लेकिन ज़्यादातर जॉब्स ऐसी होती थी जो कि इंसेंटिव बेस्ड होती थी या फिर सैलरी बहुत ही कम होती थी फिक्स और बाकी इंसेंटिव बेस्ड पे होता था या टारगेट बेस्ड जॉब्स होती थी। तो ऐसी जॉब्स को मैं निग्लेक्ट करता था और मैं चाहता था कि मेरी कोई फिक्स सैलरी वाली जॉब हो। और अधिकतर भी ऐसा ही होता है जनरली अगर कोई बच्चा अपने घर में जाके बोले कि मेरी जॉब लग रही है और वहाँ वो टारगेट बेस्ड जॉब है, मिनिमम मेरे को 10 सेल करनी है हर रोज़ की, तो उसके घर वाले उसको नहीं भेजेंगे। या अगर वो बोले कि मेरी कोई सैलरी नहीं है, मेरा सिर्फ इंसेंटिव है, तो तब भी उसके घर वाले उसको नहीं भेजेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसी फैमिलीज से आते हैं और हमारी सोसाइटी भी ऐसी है जो हमें सेफ़ एंड सिक्योर होकर चलना सिखाती है। हमारी जो सोसाइटी है वो हमें रिस्क लेने नहीं देती और ना हम लेना चाहते हैं। अब जानते हैं थोड़ा इसके मैथ्स के बारे में कि हम जब हमारी फिक्स सैलरी होती है तो हमारा जो माइंड रहता है वो ऐसा रहता है कि हम बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो चुके हैं और हम बहुत खुशी होती है। हर कोई चाहता है कि कोई एक ना एक सरकारी जॉब लग जाए और जिसमें मेरी आराम से फिक्स सैलरी हो और मैं लाइफ के ऐश लूँ। और जब बात आती है इंसेंटिव बेस्ड या टारगेट बेस्ड जॉब की तो हर कोई डर जाता है एकदम। हर कोई सोचता है कि नहीं, ये इनसिक्योर जॉब है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी जॉब है जिसमें मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा या अपना फ्यूचर नहीं बना पाऊँगा। और ऐसी ही सोच होती है हर किसी की। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में से बेटर कौन सी है, फिक्स जॉब या इंसेंटिव बेस्ड टारगेट बेस्ड जॉब। देखिए, आप लोग सेफ सिक्योर होने के रहने के चक्कर में एक फिगर के अंदर रह जाते हैं बनकर। समझिए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक जॉब करने गए और आपकी वहाँ 20,000 रुपये सैलरी बन गई, तो आपका जो दिमाग है वो 20,000 के टारगेट पर आ जाएगा। आपका दिमाग उस डॉट से 1 रुपया भी ऊपर नहीं सोच सकता। 20,000 1 रुपये भी आपका दिमाग नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में है कि ये मेरी फिक्स सैलरी है और मेरे को इस सैलरी के अंदर ही खर्चे करने हैं, इस सैलरी के अंदर ही मैंने सेविंग करनी है, यानी कि ओवरऑल कुल मिलाकर इसी सैलरी को मैंने आगे चलाना है। लेकिन जो हमारी टारगेट बेस्ड जॉब होती है उसमें हमारा जो सोच होती है वो एक बिजनेसमैन जैसी होती है, एंटरप्रेन्योर जैसी सोच होती है हमारी। तो उसमें कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन उसमें हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में है। हम कितना भी बड़ा सोच सकते हैं और कितना भी छोटा सोच सकते हैं। अब देखिए, क्यों ना आप एक टारगेट बेस्ड जॉब को एक अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं समझते हैं, और वो है एक अपॉर्चुनिटी ही। समझिए, दो लड़के हैं, उसमें से एक की फिक्स सैलरी है और एक है टारगेट बेस पे या इंसेंटिव बेस पे। तो जो इंसेंटिव बेस वाला अगर ज़्यादा काम कर गया तो वो ऑब्वियसली फिक्स सैलरी वाले से काफ़ी हद तक ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन उसके साथ एक रिस्क है कि हाँ जी अगर नहीं हुआ काम तो काम तब नहीं होता जब हम मेहनत नहीं करते। असफलता का मतलब ही है कि आपने सही से प्रयास नहीं करा। अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। मेरी राय में आपको एक इंसेंटिव बेस्ड जॉब ही करनी चाहिए जिसमें ओनली इंसेंटिव हो या छोटी मोटी बेसिक सैलरी हो और साथ में टारगेट बड़ा हो। उससे देखिए आपके दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि आप अनलिमिटेड पैसा कमा पाओगे जितने आपके अंदर मेहनत करने की हिम्मत होगी, नहीं होगी तो हाँ फिर फिक्स आपके लिए बेटर है। दूसरा कि आप बहुत कुछ सीखोगे, जितने आप पानी में हाथ मारते हो उतना ही आप तैरना सीखते हो। ये लाइन भी कुछ ऐसी ही है, जितने आप दरवाजे खड़खड़ाओगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जितने कॉल्स खड़खड़ाओगे क्लाइंट्स को, जितने लोगों से मीटिंग करोगे उतने ही आप पैने बनते जाओगे और लाइफ में आगे बढ़ते हुए जाओगे। मेरी राय में आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो एक बिजनेसमैन जैसी होनी चाहिए, यानी कि कुछ बड़ा करने की थिंकिंग, रिस्क लेने की थिंकिंग, चैलेंजेस लेने की थिंकिंग। एक डरपोक एक कर्मचारी नहीं बनना है हमें एक बहुत आगे बढ़ने वाला इंसान बनना है, रिस्क लेने हैं। मैं आपको अपना ही बताता हूँ। मैं अच्छी खासी एक छोटी मोटी जॉब कर रहा था एक कंपनी में, लेकिन मेरी शुरू से ये सोच थी कि मेरे को कुछ बिग करना है। फिर मैंने वो जॉब छोड़ी, उसके बाद अपने बिजनेस स्टार्ट करे। मैं 3-4 बिजनेस में फेल हुआ, बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं टिका रहा। मैंने कोई ना कोई बिजनेस खोलना शुरू कर दिया। एक टाइम आया
मेरा एक बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक चला, हल्के हल्के ठीक चला, फिर मैंने और मेहनत करनी शुरू करी उस प्रोजेक्ट पे, वो और अच्छा चलने लगा। ऐसे करते करते मैंने 2-3-4 बिजनेस खोल दिए। आज की डेट में भगवान की दुआ से मेरे काफ़ी अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी सोच जो थी वो आउट ऑफ द बॉक्स हो गई थी। मैंने ठान लिया था फिर कुछ टाइम बाद कि अब मैंने कुछ बिग ही करना है, मैंने एक नॉर्मल जॉब नहीं करनी है जिसमें एक फिक्स लाइफ हो, क्योंकि मैं लाइफ की एंजॉय लेना चाहता था, मैं लाइफ को जीना चाहता था, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता था, मैं ज़िंदगी जीना चाहता था। और वो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैं एक चीज़ पर टिका रहा कि हाँ कुछ बिग करना है। तो आपकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मैंने एक समथिंग बिग, अगर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, हाँ अगर आप अभी सिचुएशन में नहीं हो बिज़नेस करने की तो आप बिज़नेस में मत जाओ, लेकिन जॉब जो कर रहे हो वो आप इंसेंटिव बेस्ड ही करो, जिसमें आपकी कमीशन हो, उससे आपको अपने आप को घिसने में मज़ा आएगा। आप जब अपने आप को घिसोगे तभी आप एक इंसान बन पाओगे जो कि लाइफ में आगे सक्सेसफुल होगा। अब एट द लास्ट, ज़्यादातर लोग इसीलिए काम करते हैं अपनी एक ज़िंदगी बनाने के लिए कि हाँ जी 4 पैसे जुड़ जाएँ, इसलिए काम करते हैं। लेकिन ऐसी सोच तभी रहती है जब तक इंसान जॉब में रहता है कि हाँ जी जॉब चल रही है, बस अपनी ज़िंदगी बढ़िया चले, 4 पैसे हम बचा लें, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन कर दें, अच्छी शादी कर दें, ये कर दें वो कर दें, बस इससे ऊपर उनकी सोच कभी नहीं बढ़ती। लेकिन मेरे हिसाब से आपकी सोच इस चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लोगों को सर्विस देने में, कि आपके माइंड में एक चीज़ हो कि हाँ जी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ या मेरा ये अपना बिजनेस है जो भी है, उसमें कि मैं लोगों को क्या नई चीज़ दे सकता हूँ या लोगों को सर्विस कैसी दे रहा हूँ मैं। अगर आपकी चाय की दुकान भी है तो भी आप ये सोचिए कि मैं लोगों को एक ऐसी चाय दूँ जिससे उनको बहुत अच्छी सर्विस मिले और मैं एक सोसाइटी में कुछ चेंज कर पाऊँ कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छी चाय बनाता है। ऐसे ही आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो सर्विस होनी चाहिए वो उसमें इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि 4 लोग उसकी तारीफ करें कि वाह। अगर आप एक झाड़ू भी लगाने वाले हो तो भी झाड़ू ऐसा लगाओ कि 4 लोग बोले वाह यार क्या मजा आ जाता है जब ये झाड़ू मारता है, एकदम घर साफ। कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि आप अपने पैसे से ज़्यादा सोसाइटी में वेलफेयर लाने की कोशिश करें, सोसाइटी को एक ऐसी सर्विस दें कि जिससे सोसाइटी कहे वाह ये प्रोडक्ट लाजवाब है। जैसे समझिए एप्पल ने एक आईफोन बनाया तो लोग वाह वाह करते रहते हैं हमेशा कि वाह क्या फ़ोन बनाया। अगर वो आईफोन ना आता ज़िंदगी में तो ये तो था नहीं कि हाँ जी दुनिया में कोई फ़ोन ही नहीं था, फ़ोन दुनिया में थे बहुत सारे, लेकिन जब आईफोन आया तो आईफोन ने जो अपनी क्वालिटी दी लोगों को तो उससे बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस हो गए, मेजोरिटी लोग इम्प्रेस हो गए कि हाँ जी ये क्वालिटी है। ऐसे ही जैसे समझिए बटर है, ज़्यादातर लोग अमूल का बटर यूज़ करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो बटर, अरे वाह ये होता है बटर, आप दुनिया भर की कंपनियों का बटर खा लो नहीं ये होता है बटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सर्विस होनी चाहिए वो एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बैंक्स हैं और लोग उनमें जाते हैं तो लोगों को मज़ा आ जाता है, यार बैंक यार इस बैंक में मज़ा आ गया, इस बैंक की सर्विस मुझे सबसे अच्छी लगती है, बाकी बैंकों में हाँ ये होता है वो होता है बहुत लंबे चक्कर हैं लेकिन ये बैंक बहुत बेस्ट है। तो कहने का मतलब यही है कि आप ओवरऑल अपनी सर्विस पर ध्यान दें कि 4 लोग आपकी सर्विस की तारीफ करें और पैसा तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अगर आप जॉब भी करते हैं और अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है या आप अपनी ऑफिस में अच्छे से काम करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं कस्टमर का, तो आपकी ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन होगी कि हाँ यार ये लड़का बहुत बढ़िया है। आपके ओनर को जाके 10 लोग बोलेंगे ही बोलेंगे कि यार इस जैसा बंदा नहीं है तेरे पूरे ऑफिस में। तो आपको ऐसे ही बनना है कि आप आगे बढ़े ज़िंदगी में, लोग आपकी तारीफ़ करें, आपके काम की तारीफ़ करें। जब ये हो गया तो पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है। अच्छा काम करो, बहुत ज़्यादा पैसा आपको आता चला जाएगा आपके पास। तो कुछ ऐसा ही करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी हेल्प करा हो तो दूसरों का भी सोचो और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप कहीं ना कहीं, WhatsApp पर या Facebook पर, कहीं भी जहाँ आपका दिल करे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।